आपको मतलब पहले दिन से यहाँ पर आकर कैसा लगा, जो पहले दिन आए थे और अब लगा आप कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगा सर, पहले दिन तो सोच रहे थे कि सीखने मिलेगा नहीं मिलेगा, जब आप यहाँ आने से पहले और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब अच्छा, अपने दिल से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीख सकते हैं, पहले कंपोनेंट का नॉलेज। अच्छा, मैं स्पीकर की बात करूं, अगर एक आपको कोई भी मोबाइल दे दूं 3 दिनों के अंदर और आपको बोलूं कि इस मोबाइल के स्पीकर का पूरा सर्किट खींचो बिना सर्किट डायग्राम के, आप लोग बताइए 3 दिन के अंदर कौन कौन खींच सकता है मोबाइल में सर्किट? मतलब आप सर्किट, ये तो मजाक हो रहा है भाई, लोग बोलेंगे कि सर ने सबको पैसे दिए है। नहीं ना, हमने किया हुआ है बताओ, हमने किया हुआ है सर, सर्किट डायग्राम क्रिएट करके हमने किया, अगर टिप नहीं है तो हम बनाएंगे सर, उसी कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पर, मतलब जो आपने सोचा था वो आपको मिला यहाँ पर? उससे ज्यादा मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने कितना टाइमिंग देते हो आप यहाँ पर, यहाँ क्लास में कितना टाइमिंग आती है? 8 से 9 घंटे टोटली टाइमिंग लगता है। और रात में? रात में 9 बजे से 12 बजे। तो रात में कौन पढ़ाने आते हैं आपको? राइट सर, 10 बजे से 1 बजे तक। राजेश सर को बुलाओ। ईएमसी का क्या अपडेट है यहाँ पर? सर एक मार्च का क्लासेस शुरू होएगी, 10 दिन का बैच है। 10 दिन का बैच है यहाँ पर? हाँ 10 दिन का बैच है और अपडेटेड। जैसे अभी हमारे यहाँ एक क्लास लग गई है, 5 स्टूडेंट बोले थे, 5 आ चुके हैं कि नहीं आ गए? तो अभी आप ही के साथ रह रहे हैं, उनके क्या रिव्यू है आपके साथ रहने पर? सर बहुत अच्छे रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में है मेरे स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? रिशु कुमार। कहाँ से हो? बिहार से आया हूँ, भागलपुर जिले से। वेरी गुड, आप क्या बताने वाले हो आज? आईफोन की फ्लैशिंग बताने वाले हैं। आईफोन की फ्लैशिंग बताने वाले हो, कब सीखी आपने? आज ही सीखे हैं। तो मतलब उसको आपके पास भी आईफोन आएगा तो फ्लैश हो जाएगा आपसे? बिल्कुल। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताओ। इंद्रपाल। कहाँ से हो? पंजाब से। इंद्रपाल, तो आज इनको असिस्ट करने वाले हो आप फोन को कनेक्ट करके? सो बताइए, सबसे पहले आईफोन की फ्लैशिंग करने के लिए आपको क्या फाइल चाहिए, टूल चाहिए बताइए? अगर 3U टूल चाहिए मुझे। 3 एक बार वो पीडीएफ ओपन कर लो ताकि यहाँ पर हम लोगों को भी दिखा सकें। चलो यहाँ पर हमें आईफोन को फ्लैश करने के लिए कौन सा टूल चाहिए? 3U टूल चाहिए, बाकी आईट्यून से भी फ्लैश कर सकते हैं। अच्छा, और ड्राइवर कौन सा चाहिए हमें? आईट्यून। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमें अलग से कोई ड्राइवर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मतलब आईट्यून डाउनलोड कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बात करें कि हमें फ्लैशिंग क्यों करना है? फ्लैशिंग फोन लोगो पे है या फिर फोन में टाइमिंग सेट हो गया है? टाइमिंग जिस तरह से यहाँ पर, जैसे दिखा दीजिए जरा, जैसे यहाँ पर पासकोड लगा हुआ है, दिखा दो जरा फोन सामने से, देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब चलो बताओ यहाँ पर कि ये फोन मेरा डिसेबल है तो मुझे क्या चालू मोबाइल में मैं फ्लैशिंग कर सकता हूँ क्या? रीजन टाइमिंग सेट हो गया तो उसको कौन सा मोड पे ले जाना पड़ेगा? इसमें डीएफपी मोड पे ले जाना पड़ेगा। तो डीएफपी मोड कैसे लाते हैं आपको पता है? तो यहाँ पर डीएफपी मोड हमारे सारे स्टूडेंट लेके जाएंगे, बताइए कैसे ले जाना है प्रॉपर? सबसे पहले तो फोन को ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, अच्छी तरह से कम्प्लीटली ऑफ होने देना। हाँ होम बटन को प्रेस करना है और डाटा केबल लगानी है यूएसबी केबल, तो होम बटन को दबाए रखना है जब तक डीएफपी मोड नहीं आता हमारा। हाँ, तो ये डीएफपी बूट आ गया। चलिए ठीक है, अब तुम बताओ आगे क्या करना है? 3U टूल को ओपन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आई डिवाइस में दिखा दो, आई डिवाइस में दिखा दो कि फोन कनेक्ट हुआ है कि किस मोड पे कनेक्ट हुआ। ऊपर आई डिवाइस, तो यहाँ पे बता दो फोन किस मोड पे कनेक्ट हुआ है। फोन रिकवरी मोड पे कनेक्ट हुआ है। सो उसके बाद अब क्या करना है बताइए? ठीक है, फिर अगर मान लो अगर डाउनलोड नहीं है तो अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से हो जाएगी डाउनलोड? दिखा दो जैसे तो उसको बंद कर दो, जो डाउनलोड किया हुआ है फाइल हमारे पास है ही, उसको बंद कर दीजिए। अब वापस उसी मोड पे जाइए। अब यहाँ पर क्या करना है? फाइल इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट पे जाएगा। ठीक है, इस फाइल का फॉर्मेट क्या है? इस फाइल का फॉर्मेट क्या है, एक्सटेंशन क्या है इस फाइल का? IPSW। वेरी गुड,
करो। तो यहाँ पर ये फाइल वेरीफाई हो रही है। दोस्तों ये टूल में बता दूं, ट्रीव्यू टूल अगर आप यूज करते हैं तो अपने डाटा को भी बचा सकते हैं, बट अगर आप पैटर्न हटा रहे हैं या आपका पिन को पासकोड लगा हुआ है उसको हटाएंगे तो डाटा बचेगा नहीं, क्योंकि वही डाटा होता है। बट अगर लोगो पे अटका हुआ है तो हम ये टूल यूज करें तो बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारा डाटा आ सकता है। अब बताइए क्या करना है। अब नीचे पर डाटा हम बचाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमारा पासपोर्ट लगा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, करेंगे करो। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर गुड कनेक्शन आई बिटवीन आई डिवाइस एंड पीसी इंप्रूव द फ्लैश इन सक्सेस। वो ये बता रहा है कि जितना ज्यादा अच्छा इंटरनेट होगा उतना ही आपका, क्योंकि बेसिकली हो भी ऑफलाइन रहा पर तब भी ऑनलाइन है, तो यहाँ पर तब भी तो इसको हम फ्लैश में टिक करें यहाँ पर, क्योंकि एक भी रुक जाओ, एक बार वाईफाई कनेक्ट हम दूसरा ले लो, दूसरा वाईफाई दे दो यार, मेरा एसर टेलीकॉम वाला बहुत कम जा रहा है। नहीं नहीं करना नहीं है ना हमको यूजर डेटा को टेक, इसलिए नहीं करना है। क्यों, रीजन क्या है कि हमारा तो पैटर्न लगा हुआ ना पासकोड, डाटा अगर वो कर देंगे तो वापस पैटर्न पासकोड आ जाएगा। सो आप कर दीजिए फ्लैश, कर दीजिए, कोई नहीं कर दीजिए फ्लैश उसी में, पर वो बहुत कम जा रहा है ना, चलो कर दो फ्लैश। सो यहाँ पर हमारा फ्लैशिंग चालू हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा बहुत कम है इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हो गया है। ट्रीव्यू टूल सबसे बेस्ट टूल है आईफोन की फ्लैशिंग के लिए। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो गूगल में जाके क्या लिखना पड़ेगा, ट्रीव्यू टूल लिखना पड़ेगा। अगर स्कैटर फाइल आएगी तो कौन सा टूल यूज करोगे, स्कैटर आएगी तो एसपी फ्लैश टूल यूज करोगे। और अगर मान लीजिए स्कैटर पैक आती है तो एसपीडी, और अगर एमबीएन आती है तो MBN आती है तो MI Flash Tool यूज कर सकते हैं। पर Qualcomm वाली MBN में कौन सी यूज करेंगे, Q-Fill ही बेस्ट है कि UMD बेस्ट है, दोनों UMD बेस्ट है, दोनों में अंतर पता ना क्यों बेस्ट है, रीजन आपको अगर मैं यहाँ पर तुमसे पूछूं तो तुम बताओ कि अगर मेरे पास LG आता है तो कौन सी फाइल आएगी, LG आएगा तो उसका आएगा KDZ, वेरी गुड। अगर मेरे पास में सोनी आता है तो कौन सी फाइल आएगी, वेरी गुड, FTF फाइल आएगी वहां पर। अगर मैं आपसे उधर सैमसंग आई तो कौन सी फाइल आएगी, डॉटर, सैमसंग आएगी को कौन सी डॉटर यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने बहुत सारी फाइल हमने यहाँ पे ली हुई है कि अगर मैं मोड, अगर सोनी का मोड क्या होता है, फ्लैश मोड, वॉल्यूम डाउन, सोनी का फ्लैश मोड क्या होता है, वॉल्यूम डाउन, और LG का फ्लैश मोड क्या होता है, वॉल्यूम अप। सैमसंग में एक फ्लैश मोड बताओ, सैमसंग में फ्लैश मोड नहीं डाउनलोड मोड होता है, वेरी गुड, डाउनलोड मोड होता है। और अगर मीडियाटेक में क्या होता है, फ्लैश मोड होता है, क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, या दोनों, या कुछ भी नहीं, दोनों कुछ भी नहीं। यहाँ पर मेरे साथ बताओ कि अगर एसपीडी में फ्लैश मोड क्या होगा, एसपीडी फ्लैश में वॉल्यूम अप नहीं, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, वेरी गुड। यहाँ पर आप बताओ कि Qualcomm में फ्लैश मोड क्या होगा, वॉल्यूम अप और डाउन, एरियल केबल और टेस्ट पॉइंट यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारी चीजें। अब यहाँ पे हमारा फोन फ्लैश हो रहा है, 30% पे चला गया है फोन। अब तक हमको कितने दिन हो गए फ्लैशिंग के, चार पांच दिन, एक महीना तो नहीं हुआ ना, चार पांच दिन में आपने कितनी फ्लैशिंग सीख ली, लगा सब मोबाइल का कि अगर सर Qualcomm आए तो फ्लैश कर सकते हैं, MI आए तो फ्लैश कर सकते हैं, सैमसंग आए तो डाटा भी बचा लेंगे, फ्लैश भी कर लेंगे, FRP भी निकाल लेंगे, अरे यार रूट भी कर लेंगे, MI आई तो FRP भी निकाल लेंगे। जैसे इनने अभी कितने मेरे को फोन ले, तुम्हीं ने अपने MI का फोन को फ्लैश किया था ना, कौन सा साइड है तुम्हारा MI का, Note 4 को फ्लैश किया था, पहले कौन सी रोम थी, रोम 10.3 थे, अभी क्या हो गया, अभी 7.7। तो तुमने पूरा फ्लैश किया तो MI अकाउंट भी था उसमें, तो फ्लैशिंग के टाइम पे MI अकाउंट भी हट गया, सारे चीज तो अभी MI नोट 4 की फ्लैशिंग की इन्होंने क्लास अटेंड करने के बाद। तो मतलब आपने मीडियाटेक की फ्लैशिंग कर सकते हो, मीडियाटेक का नेटवर्क रिपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते यहाँ पर। तो चलिए हमारा हो रहा है, 60% चला गया हमारा फ्लैश। और देखिए यहाँ पे बार चल रहा है, यहाँ पर बार चल रहा है, तो
थोड़ा ऐसा हाँ साइड में लेके ऐसा दिखा दो, बिल्कुल ऐसा तो भाई फोटो आ जाएगी, तू भी आ जाए इधर खड़े हो जाए बीच में, तुम लोग को थंबनेल में डाल देंगे, और ऐसा कर लो ऐसा, वेरी गुड ठीक है, ये थंबनेल में डाल देंगे सर। हाँ हो जाओ तो यहाँ पर देखो नीचे एक आ रहा है मैसेज, फ्लैशिंग नाइट डिवाइस विदाउट यूजर डाटा, मतलब वो डाटा को डिलीट करेगा तो 99 हो गया है अपडेटिंग बेसबैंड। तो फ्लैशिंग के टाइम पे भी हम समझ सकते हैं कि कहां पर एरर आ रहा है, तो उस हिसाब से उसकी आईसी का वर्क होता है दोस्तों, ठीक है हमें बेसबैंड निकालना है। तो देखो कॉन्ग्रेचुलेशन क्लीन फ्लैश, अब मोबाइल फोन दिखाइए यहाँ पे थोड़ा पास में ला के, ऑन हो रहा है तो सारा चीज यहाँ पे वीडियो में निकाल लो, केबल निकाल लो, अब आगे ले आओ। अब यहाँ पे देखिए फोन ऑन कर रहे हैं हम इसको, अभी ध्यान रखना आप सब लोग क्योंकि अभी लाइव फ्लैश चल रहा है, सो अभी लाइव जब ये ऑन हो जाएगा सब इसको अपन को फिर से iTunes से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि iTunes देना ही पड़ेगा, iTunes नहीं दोगे तो फोन कनेक्ट नहीं होगा, वो खुद बोलेगा या तो कनेक्ट iTunes या तो वाईफाई दो, तो वाईफाई तो देंगे नहीं ना, सो हम क्या करेंगे iTunes, अगर हमने डाटा पुराना हमने पहले से लिया है तो वो वापस ले सकते हैं, सो हम पहले इसको फ्लैश होने देते हैं, पहले देखो ये रिसेट हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसा करो कैमरे में भी दुख जाओगे ना तुम, कैमरे में नहीं हो, हाँ शर्मा रहा हो दुल्हन की तरह दुल्हन शर्माती है ना जैसे कि रात में सुहाग रात है ऐसी पीली आ रही है देखो यहाँ पे फोन अभी हमारे लोगों पर है, अब फोन हमारा ऑन होगा तो ये होगा होला स्क्रीन पे, देखो ये होला स्क्रीन पे आ गया, आप फोन को आगे बढ़ाइए, हाँ चल करो आगे करो प्रोसेस करो आगे बढ़ाओ, बटन दबाओ, अब यहाँ पे स्क्रीन इंग्लिश सिलेक्ट करो, अब यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया देखो सबसे ऊपर ही होगा नहीं है, तो सिलेक्ट करो, जनरली इंडिया सबसे ऊपर ही रहता है क्योंकि कंट्री वाइज फोन होते हैं वो, इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़ाओ। तो देखिए अब यहाँ पे फोन सेटिंग ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि फ्लैश करने के बाद में डायरेक्ट फोन ऑन नहीं होते, अभी आपकी होम स्क्रीन आनी है तो हमें देखना है कि हमारा जो पासकोड लगा था वो निकला है कि नहीं निकला है, आप देखिए यहाँ पर हमने इंग्लिश ले लिया, कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया हमने, नेक्स्ट ऊपर लिखा ऊपर सबसे ऊपर नेक्स्ट, आप देखो यहाँ पर दो चीज आ रही है, या तो नेटवर्क मांग रहा है वाईफाई या तो क्या बोल रहा है, तो कनेक्ट टू आईट्यून पे टिक करो, कनेक्ट टू आईट्यून पे टिक करोगे ना तो सीधे डीएफयू बोर्ड में चला जाएगा, कंटिन्यू करो तो देखो सीधे कौन से बोर्ड पे आ गया, तो अभी कनेक्ट करो फोन, अभी सीधे डीएफयू बोर्ड पे आ गया, अब आईट्यून ओपन करो, नीचे खुला हुआ आईट्यून ये देखिए, तो यहाँ पर देखो आईट्यून निकल रहा है, ओके करो इसको, तो यहाँ पर कैंसिल करो, कैंसिल करो, देखिए अब यहाँ पर आईट्यून निकल रहा है यहाँ पे हमें फोन में, तो iTunes फिर से इसको डिस्क आ गया यहाँ पर फोन, देखो वहां पे टिक करो, अभी रुक जाओ बेट, ये देखो आ गया iPhone आ गया यहाँ पर, सो ये हमारा iPhone आ गया है, ये फोन देखो हमारा एसेस कर रहा है यहाँ पर, सो अभी हमें यहाँ पर दिखाएगा न्यू फोन डाटा दिखाएगा या ओल्ड फोन डाटा रिकवरी दिखाएगा, तो हमें न्यू फोन पे टिक करना है, सो देखो यहाँ पर आ गया, अब देखो ये हो गया बढ़ गया, सेटअप न्यू फोन करो तुम, सेटअप न्यू फोन, अब देखो आगे बढ़ाओ तो पासपोर्ट दे दो, पांच 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 दे दो फिलहाल, कंटिन्यू करो तुम, कंटिन्यू गैस स्टार्टिंग करो, सो देखो यहाँ हमारा आईफोन यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं पास आउट हो रहा, सो यहाँ पर आप एग्री करो, एग्री करो, कंटिन्यू, ये
ये देखिए सो यहाँ पे खुल गया। चलो इन दोनों के लिए ताली बजा देगा, सबसे ज्यादा इनके लिए, इनके लिए इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना MI नोट 4 फ्लैश किया क्लास के बाद ही, क्योंकि जनरली लोग सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भी अपने फोनों पर टक नहीं करते, जबकि एक टेक्नीशियन को पहले अपने फोन का इलाज करना है, क्योंकि अगर अपने फोन को करने से डरोगे तो फिर कैसे टेक्नीशियन बनोगे, सीधी सी बात है। तो वो डर निकालना है, इन्होंने अपने सीधे जिस चलने वाले फोन पे, एक ही फोन था ना तुम्हारे पास, तुम ये भी सोच सकते थे कि डेड हो सकता था, क्या हो सकता था, पर क्या है हमारी EMC की क्लास है, डेड होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। तो हमारी EMC की क्लास का क्या अपडेट देना चाहोगे यहाँ पर? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पर। नहीं, अगर किसी को EMC के लिए आना है तो यहाँ पर EMC का क्या अपडेट है यहाँ पर? सर एक मार्च का क्लासेस शुरू होएगी, 10 दिन का बैच है, 10 दिन का बैच है यहाँ पर, 10 दिन का बैच है और अपडेटेड। जैसे अभी हमारे यहाँ एक क्लास लग गई है, 5 स्टूडेंट बोले थे, 5 आ चुके हैं कि नहीं आ गए, तो अभी आप ही के साथ रह रहे हैं, उनके क्या रिव्यू है आपके साथ रहने पर? सर बहुत अच्छे रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। अच्छा, आपके क्या रिव्यू है मेरे बारे में? नहीं आपके, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या रिव्यू है आपके? एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, तो जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइटी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या SPD का फ्लैशिंग हो, MI की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप, कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। अनाउंसिंग 1001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। Download mobile free repairing Android apps. Link in description.